तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर एरिया 69। तो अपने सामने आज खड़ी है डीसी अवंती। डीसी मतलब है दिलीप छाबड़ा, ये इनका नाम है जिसने ये डिजाइन की है। तो इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसका इंटीरियर देखना आप, ये देखो अंदर से देख के तो ये लगता है कि भाई ये कौन सी बीमारी है, पर बाहर से जब देखोगे ना तो आप सब ऐसे कहोगे ऐसी बीमारी सबके पास हो। तो ये इंडिया की सबसे पहली सुपर कार और आखिरी सुपर कार है, एमपी की गाड़ी है। तो आज इस वीडियो में अपनी पूरी बात करेंगे इसके ऊपर, जिसने ये गाड़ी बनाई थी दिलीप छाबड़ा, उन पे केस कुछ हुआ था फाइल पुलिस उन्होंने स्कैम के चक्कर में, उसकी भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, देख लो फ्रंट में ऐसी लुक आती है इसमें अपने। सबसे पहले यहाँ पे बैचिंग मिल जाती है डीसी, और यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट हो गया, सिस्टम ये हो गया, ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है। ये क्या लग रही है यार, देख लो आप एक बार क्या मस्त लग रही है। अपने को यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं प्रोजेक्टर वाले, और इंडिकेटर मिल जाते हैं अपने को, पार्किंग लैंप मिल जाते हैं, ऐसी थोड़ी ग्रिल आती है फ्रंट में। ये देख लो इंजन की हवा जो गर्म हॉट एयर होती है वो निकलने के लिए ये यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ऐसे बड़े बड़े वाइपर हैं। साइड मिरर की बात करूँ तो ये देख लो विद इंडिकेटर साइड मिरर कुछ ऐसे आते हैं। तो देख लो गाइस इसकी फैन फ्लोविंग देख लो गाड़ी की। तो इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ मैं। साइड में जब आप ऐसे जाते हो तो ऐसी लुक आती है साइड में निकल के। ये देख लो यहाँ पे अच्छी तरह, ये देखो हवा क्रॉस के लिए स्पेस बनाया गया है। इसके व्हील प्रोफाइल की बात करूँ, सुपर कार है, सुपर कार तो यार आपको पता है कितनी तेज भागती है। जब ये भागेगी तो इसको ब्रेकिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा मस्त होनी चाहिए ना। तो अपने यहाँ पे बीतता है बीच में डीसी का लोगो 5 मिनट के साथ आता है। व्हील प्रोफाइल की बात करूँ तो वो अपने को मिलता है 265, 35 और R20, ऐसा थोड़ा लो प्रोफाइल ये व्हील है, ठीक है। और उसके बाद में इसके पीछे चलता हूँ मैं। जितनी गाड़ी ये आगे से अट्रैक्टिव है ना, उतनी ही गाड़ी ये पीछे से अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हो यार, ये देख लो अबे पीछे अपने को यही मिल जाता है इंडिकेटर, स्टॉप लैंप मिल गया, पार्किंग बल्ब मिल गए, और बात करूँ यहाँ पे अपने को कैमरा मिल जाता है, डीसी का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस हो गया, और ऐसा कुछ इसका ये मिल जाता है। ये देख लो अपने को शार्क एंटीना मिल जाता है, ऊपर से ब्लैक होगी पूरी। ये मतलब इंजन, यहाँ से इंजन दिखता है, ये देख लो इसकी जो हीट होती है वो बाहर निकली, ऐसा थोड़ा स्पेस बनाया गया है भाई। ये इंडिया की पहली सुपर कार है ये देख लो। और एग्जॉस्ट की बात करूँ तो इस नीचे है दोनों, और जो रिफ्लेक्टर है ना बहुत ज़्यादा नीचे हैं, देख लो मतलब पीछे से इतना दिखता नहीं है ये, और ये देख लो नीचे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर से जाके बात करेंगे पूरी प्रॉपर। और फ्यूल टैंक का कैप अपने यहाँ पे मिलता है, डीसी की बैचिंग मिलती है इसके ऊपर। अब चलते हैं इसके अंदर, ऐसी कुछ इसकी सीटिंग आती है, ये देख लो इसमें बैठ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आराम से बैठ जाता हूँ क्योंकि बैठना बहुत हार्ड है इसके अंदर, क्योंकि इतना बड़ा इसमें हम्प दिया गया है। तो गाइस ये देख लो ऐसे बैठा हूँ मैं, बिल्कुल लो प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे बैठा हूँ, हेडरूम दिखाना सीधा हो ना ऊपर, देख लो हेडरूम इतना है। अपने को सेंटर की बात करूँ, अपने को यहाँ पे लाइट मिल जाती है, ये ऑन ऑफ, और ये दोनों लैम्प यहाँ से जग जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो ऐसा कुछ अपने को स्टेयरिंग व्हील मिलता है, डीसी की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे, ये रेड कलर में, इसमें ड्यूल कलर आता है, रेड और ब्लैक मिक्स है यहाँ पे। अपने एसी वेंट की बात करूँ तो ऐसा कुछ एसी वेंट्स मिल जाते हैं अपने को अच्छे, ये देख लो। और इंटीरियर तो यार इसका बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। और बात करूँ व्यू की बार की, ये देख लो ऐसा कुछ व्यू आता है इसमें, और ये देख लो कुंडी सी दी हुई है सेम खोलने के लिए सिस्टम। और अपने को दोनों पावर विंडो मिल जाती है, पर इसकी स्पीड है ना वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे खुलते हैं धीरे धीरे बंद होता है। और मिरर एडजस्टमेंट के लिए अपने वहाँ पे मिल जाता है, ABC मिल जाते हैं तीनों, क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है। इसमें दिखा देता हूँ रिवर्स और 6 गियर है, यहाँ पे हैंडब्रेक मिल जाती है ऐसी, ये देख लो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB है, माइक वाला सिस्टम है, ऐसी कुछ इसकी डिस्प्ले है बिल्कुल बेसिक, 1000 लाइट्स ये हो गया। अवंती यहाँ पे बैचिंग मिल जाती है, ऐसा कुछ डिस्प्ले है इसमें। और बात करूँ मैं स्पेस की तो देख लो यहाँ पे अपने कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रखने के लिए। और इसमें बूट स्पेस तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है, बस ये जो इतना बूट है ना, हाँ ये जो आपको पीछे दिख रहा है बस ये ही बूट स्पेस है, इसमें और कुछ नहीं है। और बात करूँ ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स देख लो, ये देखो इतना छोटा सा ग्लव बॉक्स आता है इसमें, ये सिस्टम है। और एयर बैग भाई इसके अंदर एयर बैग नहीं आते बिल्कुल भी ये। तो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाके दिखाता हूँ आपको उतरना कितना हार्ड है इसमें। ये देखो मैं जैसे इसमें ओपन करूँगा उसके बाद में ये देख लो मैं ऐसे बैठा हूँ और ऐसे बैठ के बाहर निकलूँगा, बाहर निकलना इसका बहुत ज़्यादा ओखा सिस्टम है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इंजन, इसमें रेनो का इंजन आता है, 2000 CC का इंजन है, वो मैं आपको खोल के दिखाऊँगा।
अपने को बूट वाला ओपन करना है तो अपने को यहाँ पे लीवर मिलता है, यहाँ से ये ओपन हो जाता है। दिखाता हूँ पीछे से, तो भाई ये देखो हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं इसमें, और ऐसा ये इंजन आता है, यहाँ पे रेनो की बैचिंग आ जाती है, 2000 सीसी का ये इंजन है, देख लो आप। और आई स्टॉप लैंप अपने को वहाँ पे मिल जाता है ये सामने, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक्स लगे हैं, इसको करते हैं बंद, ऐसे करके ये बंद हो जाता है जिससे ये पूरे खड़कने लग जाते हैं। अब बात करता हूँ बूट स्पेस की, जो ऐसे आपने सुपर कार से देखी हुई है, पीछे इंजन होता है और आगे बूट स्पेस होता है, पर भाई इसमें कुछ अलग है वो मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। तो खोलने के लिए जैसे ये ओपन करोगे तो अपने को वैसे ही बाकी कार्स के लिए जैसे ही यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो के ये देखना, अब मैं ओपन करूँगा और अपने को यहाँ पे स्पेस मिलना चाहिए ना, पर यहाँ पे क्या मिलता है अपने को देखो, अपने को यहाँ पे भी इंजन मिल जाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेस अपने को नहीं मिलता। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स है, बैटरी देख लो ओपन ही है, और इंसुलेशन है, ये फाइबर है यार, मेरे को तो ये लग रहा है, छोड़ दे इसको ना, ढंग से बंद करने दो। अगर मैं इसके BHP की बात करूँ, मतलब कितनी पावर ये निकाल के देता है, तो वो अपने को निकाल के देता है 310 BHP निकाल के देता है। और जहाँ मैं इसके इंजन के टॉर्क की बात करूँ तो वो अपने को मिलता है 260 NM का टॉर्क ये निकाल के देती है गाड़ी, और इसको बोलते हैं सिस्टम। अगर मैं इसके प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो ये लगभग 49-49 लाख की अपने को मिल जाती है, पर भाई अब तो इसको आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ सुबी से गाड़ियाँ बनी थी, उसके बाद में ये कंपनी वालों ने बनानी बंद कर दी। जो ये बंदे थे इन्होंने ही, जो टार्जन गाड़ी आपने सुनी होगी वो सेम की सेम टार्जन ही इन्होंने डिज़ाइन की थी। बात करूँ उसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो अपने को मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, आवाज़ सुनाऊँगा आपको तो सुनना आप ध्यान से। तो गाइस ये ओनर है इस गाड़ी के, थ्रिलर अभी बाकी है मेरे भाई, देखो आप। तो ये गाड़ी इन्होंने 42 लाख रुपए की ली थी, बेंगलोर से लेके आए थे ये, और MP का नंबर है इस गाड़ी में, और वैसे तो इसका प्राइस था कुछ 49 लाख रुपए, पर इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी ये। इन्होंने ना एक 2008-2009 में अनाउंसमेंट की थी कि मैं ना एक सुपर कार बना रहा हूँ इंडिया की, ये पहली सुपर कार है इंडिया की, और शायद मेरे को लग रहा है अभी तक सुपर कार बनी नहीं है, और ये आखिरी ही सुपर कार है, ठीक है। तो 2014-15 में इन्होंने ये गाड़ी बना के निकाल दी थी। मैं बात करता हूँ इसकी सिस्टम की, सबसे पहले तो भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये पेंट उतरा हुआ है रिम्स का, और ये देखो यहाँ पे इसका कलर हो गया, और ये फाइबर का यूज़ किया गया इस गाड़ी में, ठीक है। तो उसी वजह से लोगों ने ये गाड़ी ली नहीं थी, कम से कम 120 गाड़ियाँ बनाई थी उन्होंने, जिसके अंदर नंबर गाड़ियों में इन्होंने स्कैम पता क्या किया था, मतलब इन्होंने एक ही गाड़ी को डबल RTO से वो रजिस्टर्ड कर दी, मतलब जो गाड़ी आपने तमिलनाडु में ले रखी है वो सेम की सेम गाड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ऐसा स्कैम किया था। और कुछ इन्होंने ना नॉन बैंकिंग थ्रू से ना एक लोन ले लिया 42 लाख रुपए का, उससे गाड़ी बना दी और खुद ही खरीद के दूसरे को बेच दी, और ना ही वो लोन भरा, तो ऐसे इन्होंने स्कैम किए थे। तो उसके लिए इनको स्कैम सजा हुई थी, इनकी फैमिली वाले को सजा हुई थी। अगर इस गाड़ी में आप बैठे हो ना तो इसकी जो साउंड है पीछे, जो इंजन चलता है उसकी आवाज़ कैबिन के अंदर आती है, गियर शिफ्टिंग कर रहे हो तो इसके अंदर आवाज़ आएगी। भाई साहब ऐसे कुछ कॉन्स थे इन गाड़ी के, तो उसी वजह से इसकी सेल कम होगी और धीरे धीरे कंपनी बंद होगी। उसके बाद में इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सुपर कार निकालने का कहा था, पर भाई साहब लोगों ने कह दिया हमने आपकी सुपर कार देख ली, उसके बाद में किसी ने पसंद नहीं की, तो वो सिस्टम बंद हो गया था। लुक देख रहे हो, मतलब जनता इसको कैसे मुड़ मुड़ के देख रही है, ये देख लो आप। देख लो रोड प्रेजेंस तो भाई इसकी बहुत अच्छी है, लोग देखो कैसे देखते हैं। व्हील प्रोफाइल देखो, लो प्रोफाइल टायर है पर जो व्हील है ना 18-20 इंच के है इसके अंदर, वो ज़्यादा मस्त लगते हैं। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करना, कमेंट करना, चलते हैं आपको ऐसी नई नई वीडियो में नई नई कारों के साथ।